हेलो फ्रेंड्स, आपका भाई फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं किसी फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 10 मोस्ट अवेटेड मूवीज़ ऑफ बॉलीवुड इन 2018, यानी कि अगले 6 महीने में जो सबसे ज़्यादा अवेटेड मूवीज़ हैं जिनका फैंस को इंतज़ार है उनके बारे में कि वो कौन सी हैं। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ हैप्पी फिर भाग जाएगी, रिलीजिंग ऑन 24 अगस्त। हैप्पी फिर भाग जाएगी इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मुदस्सिर अजीज़। ये सीक्वल है 2016 की हिट फिल्म हैप्पी भाग जाएगी का, जिसमें डायना बेंटी, अली फजल और जिमी शेरगिल थे। और इस दफ़ा वाली में हैप्पी का रोल सोनाक्षी सिन्हा प्ले कर रही हैं। सर के हर दूसरे घर में हर तीसरी लड़की का नाम होता है हरप्रीत। हैप्पी, मैं वो हैप्पी नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हु द हेल आर यू? और ये आदमी गुड्डू नहीं, मैंने कब कहा मैं गुड्डू? ओए एक मिनट, तुम गुड्डू और हैप्पी को कैसे जानते हो? हैप्पी से शादी होने वाली थी इसके भाई की। इसके भाई की? अरे छोड़ो यार, इसके भाई की, उसके भाई की, मैं कह रहा हूं ये हैप्पी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज स्त्री। ये एक हॉरर कॉमेडी है जो कि बहुत ही रेयर है बॉलीवुड में। इस तरह की फिल्में बहुत कम, इस जॉनर की फिल्में बहुत कम बनती हैं। अमर कौशिक ने डायरेक्ट की है और श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव लीड में है। ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से इसका हाइप बहुत बढ़ गई, फिल्म की एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो गई। और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री, पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है। नेक्स्ट इज अंधाधुन। श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया ये फिल्म और इट इज आल्सो स्लेटेड रिलीज ऑन 31 अगस्त, लेकिन अभी तक कोई ट्रेलर या टीजर आया नहीं है, तो प्लॉट अननोन है। और बस बेसिक लाइन ये है कि ब्लाइंड पियानिस्ट प्ले कर रहे हैं आयुष्मान खुराना जो कि लीड है, और कोई मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज होते हैं उनकी ज़िंदगी में, फिर आगे की कहानी है। राधिका आप्टे उनके अपोजिट हैं और तब्बू सपोर्टिंग रोल में। फ्रेश पेयरिंग है तो इसलिए भी लोगों में ज़्यादा बज़ है इस फिल्म को लेकर। हेलीकॉप्टर ईला। हेलीकॉप्टर ईला इज डायरेक्टर पर प्रोड्यूसर का 7 सितंबर को रिलीज होनी है फिल्म। काजल इसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अ गुजराती प्ले कॉल बेटा कागड़ू। आनंद गांधी ने प्रेयर लिखा था और इसके को राइटर भी आनंद गांधी हैं इस फिल्म के। मेरे लाइफ में परमानेंट रहे मेरी मम्मा की नेक्स्ट इज मनमर्जियां। मनमर्जियां इज डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। 14 सितंबर को रिलीज होने के लिए स्लेटेड है ये फिल्म। इसमें तापसी, विकी कौशल और अभिषेक बच्चन लीड रोल्स में। क्योंकि मैंने घर पे बोल दिया है कल आ रहा है विकी बात करने और तू नहीं आया ना, तो मैं किसी भी उल्लू के पट्टे से कर लूंगी। बताओ आप क्या बचपन से रामजी टाइप से? तुम क्या बचपन से ये डायन टाइप? अनुराग कश्यप है और लव स्टोरी है तो आप समझ सकते हैं कितनी डिफरेंट होगी। बॉलीवुड अच्छा जा रहा है मम्मी जी। मजा आ रहा है ना? हाँ जी मजा आ रहा है। तुम्हारी चाची जी बात करेंगे। हाँ चाची जी। मम्मी कैसा जा रहा है हनीमून? अच्छा जा रहा है हनीमून जी। मजा आ रहा है ना? नहीं इतना मजा नहीं आ रहा, वो क्या है ना इनको लास्ट मंथ याद आया कि कंडोम तो है ही नहीं, जब तक लेके आए तब तक। हेलो, जरा फैक्ट्स और फिगर्स की भी बात कर लें। फैक्ट्स तो सब मेरे पास है और आपके होते हुए फिगर की बात मैं कैसे करूं मैडम। बत्ती गुल मीटर चालू। जी हाँ, ये फिल्म का नाम है। शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर और यामी गौतम इसमें लीड में। श्री नारायण सिंह ने ये फिल्म डायरेक्ट किया, जिसने टॉयलेट एक प्रेम कथा भी बनाई थी। 54 लाख का बिल भेजा था ना तूने? 54 दिन में तेरी बिजली कंपनी की बत्ती गुल करा के ठहरूंगा मैं। जीतने से ज्यादा लड़ना जरूरी ठहरा। आपके लिए सिर्फ एक केस होगा मैडम, हमारे लिए लड़ाई है। सुई धागा। सुई धागा 28 सितंबर को रिलीज होगी। सुई धागा में अनुष्का शर्मा और वरुण धवन लीड पेयर में। जगत कटारिया और दम लगा के हाइशा फिल्म ने डायरेक्ट किया ये फिल्म। सुई धागा पूरी फिल्म रूरल एरियाज में बनी है, तो आप अनुष्का और वरुण को डी गेम रूप में देखेंगे। अब इस बिजनेस को ऐसा सेट करूंगा ना मैं कि मुंह ताकते रह जाओगे आप। अपनी बनाई चीजों पे अपनी मोल लगा के बेचेंगे। कंपनी का नाम क्या रखें? अब जहाँ के कपड़े वहाँ का नाम। सुई धागा मेड इन इंडिया। नेक्स्ट इज 2.0 यानी रोबोट 2.0। ये फिल्म रिलीज कब होगी इसका तो इसके डायरेक्टर शंकर, लीड कास्ट रजनीकांत और अक्षय कुमार को भी नहीं पता, क्योंकि पिछले 8 महीने से फिल्म डिले हुए जा रही है। इसमें VFX वर्क इतना है कि टाइम बढ़ता जा रहा है।
लेकिन इस फिल्म का बस बहुत अच्छा है। फिल्म पहले आमिर खान को ऑफर हुई थी, आमिर खान ने स्क्रिप्ट पढ़ के बोला था कि इसकी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आमिर को क्योंकि रजनीकांत का पार्ट ऑफर किया गया था तो आमिर खान ने बोला कि मैं अपने आप को एज चिट्टी रोबोट नहीं पिक्चर कर सकता, वो रजनीकांत ही और रजनीकांत ही नहीं। Making Shankar's vision come to life was by far the most gratifying part of my job. In 2.0, there is equally a strong character opposite to Chitti in 2.0. 2.0 is like a much bigger than the first part. Iska abhi tak koi plot ya storyline to reveal nahi hui hai, lekin first look dono Akshay Kumar aur Rajnikant ke release hue the, jo ki super hit rahe hain fans ke beech mein, aur expectations aur zyada badh gayi. Whatever they enjoy in Hollywood films, I think they can enjoy in this film also. Total Dhamal 7 December ko release hogi. Inder Kumar ne direct kiya aur ye last film hai trilogy ki, yani Dhamal, Double Dhamal aur Total Dhamal. Lead cast wohi hai purani wali, isme 3 addition hue hain, 3 bade addition hue hain, jisme Ajay Devgan, Madhuri Dixit aur Anil Kapoor hain. Baki Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh aur Javed Jafri waise ke waise hi apne role ko reprise karenge. संजय दत्त का भी कैमियो है इसमें, और पिछली दो फिल्मों की तरह ये फिल्म भी सुपर हिट होगी और लाफ राइट एक्सपेक्टेड है इससे भी। लास्ट ऑन द लिस्ट इज सिम्बा। सिम्बा 28 दिसंबर को स्लेटेड है रिलीज के लिए। सिम्बा इज डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी। इट्स अ ऑफिशियल रीमेक ऑफ तेलुगु ब्लॉकबस्टर टेम्पर। जूनियर NTR थे उसमें लीड में। इधर रणवीर सिंह इसका रोल रिप्राइज करेंगे और सारा अली खान उनके अपोजिट हैं। अच्छा, दो मूवीज़ जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, थग्स ऑफ हिंदुस्तान जो कि दिवाली पे आ रही है, और ज़ीरो जो कि न्यू ईयर 21 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। पूरी दुनिया के मूवी बफ्स को पता ही है इन फिल्मों के बारे में, इसलिए आई डोंट सी द पॉइंट इन डिस्कसिंग देम। मेरे हिसाब से मेरी टॉप 10 मोस्ट अवेटेड फिल्में ये थी। अगर आपको लगता है कि मैं कोई फिल्म भूल गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सी यू एंड आई सी यू।